कश्मीर मुद्दे पर दुनिया में हर जगह मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अब हार मान चुके हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अपने प्रयासों में बुरी तरह से विफल रहा है। इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निराश हैं। बता दें कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को लेकर कई बार मात खा चुका है। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वो बौखलाया हुआ है। उसने भारत के खिलाफ देशों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसे हार हर जगह मिली। इमरान खान ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निराश हूँ। यदि 8 मिलियन यूरोपीय या यहूदी, यहाँ तक कि 8 अमेरिकियों को अगर कर्फ्यू में रखा गया होता तो क्या तब भी यही प्रतिक्रिया होती? शायद नहीं, लेकिन हम दबाव डालते रहेंगे और उनके सामने अपना पक्ष रखते रहेंगे। बहरहाल इमरान ने ये बातें पाकिस्तानी पत्रकारों से कही। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। बता दें कि पीएम मोदी और इमरान खान दोनों यूएनजीए के लिए न्यूयॉर्क में हैं। दोनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। ट्रंप ने दोनों देशों के साथ मध्यस्थता करने की अपनी पेशकश को नए सिरे से रेखांकित किया है और उन्होंने कहा है कि वो ऐसा तभी करेंगे जब दोनों पक्षों द्वारा कहा जाएगा। आइए देखते हैं इमरान खान के निराश जनक प्रतिक्रिया वाले इस वीडियो को। आई वॉन्ट वेलकम ऑनरेबल डेलीगेट्स फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्रीज ओआईसी ग्रुप। वी फील दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड बिकॉज नेवर हैज इट हैपेंड दैट 8 मिलियन पीपल हैव बीन locked inside, and what we expect, well, from the international community, we expected much more of a response than, unfortunately, than the response they came up with. And I keep saying that had there been 8 million Europeans or 8 million Christians or Jews, how would the world community have reacted? And in this case, unless we, the Muslims, speak for these people of Kashmir, where there is straightforward state terrorism, 900,000 Indian troops are locking in these 8 million Kashmiris. कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।